लो जी, पार्शियल फ्रैक्शन, ये कब यूज होता है इंटीग्रेशन में? व्हेन डिनोमिनेटर गिवन इन फॉर्म ऑफ लीनियर फैक्टर्स और कैन बी कन्वर्ट इनटू लीनियर फैक्टर्स. देन वी यूज दिस मेथड नोन एज पार्शियल फ्रैक्शन. जैसे क्वेश्चन आया टाइप वन कर रहे हैं, टू एक्स प्लस फाइव डी एक्स, थ्री एक्स माइनस सिक्स, फोर एक्स प्लस ट्वेल्व, टू एक्स माइनस एट. अब डायरेक्ट चाहके भी ऐसे इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो यहां पर हम लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन. एक क्वेश्चन अच्छे से समझो, देखो कैसे धनाधन बाकी क्वेश्चन निकलते. स्प्लिट करा a ओवर फर्स्ट फैक्टर. हाँ, अगर ये तीनों अलग अलग हो जाएं जैसे मैं कर लिख रहा हूं तो इंटीग्रेशन पॉसिबल है. ठीक है जी, एलसीएम लो. अब एक एक फैक्टर को जीरो पुट करो, जैसे कि ये है पुट 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2 है. देखो जहां जहां 3x माइनस 6 होगा वो तो पार्ट तो खत्म ही हो गया, लो जी बाकी जहां पुट कर दो 4 2 प्लस 12 2 2 माइनस. दो दुनी चार पाँच नौ, ए की वैल्यू आने को तैयार है, चार दुनी आठ बीस, दो दुनी चार चार में चार ये माइनस चार, यानी 9 बाय माइनस 80 दैट इज इक्वल टू ए आ गया 9 बाय माइनस. ठीक है जी, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं. अब दूसरा फैक्टर लेंगे, जिस फैक्टर के नीचे उठाओगे उसकी वैल्यू आती जाएगी अपने, x की वैल्यू कितनी होगी माइनस टू. ध्यान से देखो a और c तो जीरो हो जाएंगे क्योंकि 4x प्लस 12 है वहां पर. माइनस 1/210. तीसरा फैक्टर लो, एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, बाकी अपने आप कर सकते हो. इस बार सी की वैल्यू आएगी, ये आ गया. यहां तक करो नोट,
करो जी नोट। अच्छे से करोगे नोट तो कोई नहीं रहेगा खोट टाइप में, ठीक है ना जी। देखो जी पेपर में आप नहीं करना है, हम एक बार अच्छे से सिखा सकते हैं, बार बार इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। आपको जो क्वेश्चन दूंगा सॉल्व कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। जहां जहां जोन जोन सा फैक्टर आपने जीरो पुट किया उस उसकी वैल्यू आती चलेगी, ए बी सी सारे आ गए। अब ए की जगह रख दो, ए की जगह वैल्यू आ गई आपकी 9/80, ए की जगह रख दिया जी। बी की वैल्यू रख दी, बी की आई है वैल्यू -1/210। सी की वैल्यू आई 9/80 log 3x-6 / 3, -100 log 4x+12 / 4, 13/168 log 2x-8 / 2 + c। ठीक है, कोई शंका करो नोट। टाइप 1 है ये, इसमें एक क्वेश्चन करवाना ही सफिशियंट है इसमें मेरे लिए। जहां जरूरत पड़ेगी मैं ज्यादा क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। एक मैंने कराया, 3 आप कीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है जी। कुल मिला के 7 टाइप है इसमें, होमवर्क में दे रहे हैं टाइप 1 के। मैंने थोड़ा मुश्किल वाला कराया कि ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो। x+y क्वेश्चन कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है जी। नोट कर लो इसे, टाइप 1 के 3 क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड क्वेश्चन को कॉपी कर लो। लो जी अब करेंगे टाइप 2।
typed x square plus x plus 1 और x माइनस 1 x माइनस 2। बेसिक्स वही रहते हैं जो सिखाए जाते हैं आपको। अब ध्यान से देखो, x square plus x plus 1 नीचे हो गया x square minus 3x plus 2। ठीक है जी, पावर बराबर है, पहले डिवाइड करेंगे। फोर एक्स माइनस वन ही हो गया क्वेश्चन, ये हो गया रिमाइंडर, ये हो गया डिवाइड। स्प्लिट कर लो जी, ध्यान से देखा जी, आई वन हो गया, ये आई टू हो गया। आई वन तो सिंपल है, आई वन हो गया एक्स, अलग अलग करके करोगे कॉन्फिडेंस ठीक रहता है। फिर पार्शियल फ्रैक्शन एलसीएम से तो कट ही जाना है, उसने बचेगा ये, जब एलसीएम लोगे नीचे वाला तो कट ही जाएगा। देखो जी, हम आपको अच्छे से एक बार करवा सकते हैं, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई नहीं बचा सकता। अब हमारा एम है ए बी की वैल्यू निकालना। ठीक है जी, पहला फैक्टर लो जी, अगर इनडेफिनेट ढंग से नहीं आता वो डेफिनेट को तो आप फिर कर ही नहीं पाओगे। बी वाला पार्ट वैसे ही खत्म हो गया, क्योंकि एक्स माइनस वन हो गया है जीरो, बेशक रख के भी देख लो। ए की वैल्यू हो गई माइनस। दूसरा फैक्टर लो जी, पुट एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू टू। b की वैल्यू आ गई 7, a की जगह a रखो, b की जगह b रखो। दोनों को जोड़ दो, c a की बार लगाना है। बेसिक्स तो वही थे कि जब भी ऊपर की पावर ज्यादा हो या बराबर हो पहले डिवाइड करेंगे। जोड़ दो जी, एक क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से करवा दिया है, अब आप तीन क्वेश्चन खुद करेंगे और आगे बढ़ जाए। लो जी, ठीक है जी, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2।
करना आपने है, प्रैक्टिस आपने करनी है, ठीक है ना जी। x प्लस वन एक्स माइनस, कॉपी में कर रखे होंगे क्वेश्चन और रेगुलर रिवाइज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीन क्वेश्चन टाइप को पक्का करने के लिए तीन क्वेश्चन जरूर करने चाहिए। ठीक है जी, करो जी। कर लो नोट। ठीक है जी, टाइप थ्री, व्हेन होल स्क्वायर और होल क्यूब इज गिवन, ठीक है जी। इसे क्वेश्चन देखिए, एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू। ध्यान से देखो, ये एक्स प्लस टू का क्या हो गया, होल स्क्वायर। ठीक है जी, ठीक है जी। अब इसको कैसे करेंगे, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। a ओवर फर्स्ट फैक्टर प्लस b ओवर स्क्वायर वाले का पहले लीनियर फैक्टर, फिर उसका स्क्वायर। बड़ा आसान है ये तो, आना ही आना है। ये दो बार आएगा, एक बार सिंगल एक बार स्क्वायर के साथ। मान लो क्यूब होता, फिर एक बार वन आती पावर, एक बार टू आती, एक बार क्या आती थ्री आती, एक बार क्या आती थ्री। एम वही है, क्लियर कट एम है, ए बी सी की वैल्यू निकाल दो। ठीक है जी, एलसीएम लिया, लो जी कट गया जी। इस बार आपको ए की वैल्यू भी निकालनी है, बी की भी निकालनी है, सी की भी निकालनी है। अगर तीन फैक्टर हैं तो फट से सारी वैल्यूज निकल जाएंगी। पहले ये फैक्टर लो, पुट x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, इसकी वैल्यू कितनी आ गई माइनस टू। जहां जहां x नजर आता है माइनस टू रख दो, ये पार्ट वैसे खत्म हो जाएगा क्योंकि x प्लस टू जीरो है, ये भी ये c की वैल्यू आ जाएगी। c दूसरा फैक्टर लो, पुट x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, x की वैल्यू टू। जहां जहां x माइनस टू हो वो खत्म हो जाएगा। अब आ गई आपके पास a की वैल्यू, चार पांच बटा सोलह, ठीक है जी। अब तीसरा फैक्टर x प्लस थ्री बनता है, फैक्टर से काम चल जाए तो उससे बढ़िया तो कोई चीज ही नहीं है। जीरो माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन, वन का स्क्वायर a, b की में रखेंगे माइनस थ्री माइनस टू माइनस थ्री प्लस टू सी माइनस थ्री माइनस टू माइनस एक, ये हो गया फाइव बी प्लस फाइव माइनस फाइव सी। ए पता है हमें, सी पता है, सी
माइनस पांच बटा सोलह माइनस पांच बटा चार इज इक्वल टू फाइव, माइनस पच्चीस इसको करा पांच से नहीं चार से, माइनस पच्चीस बटा सोलह इज इक्वल टू फाइव बी, बी हो गया माइनस पांच बटा सोलह, बी क्या हो गया माइनस पांच बटा सोलह, ए बी सी आएगा तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ए की जगह ए रखो, बी की जगह बी रखो, सी की जगह सी रखो, इंटीग्रेशन पांच बटा सोलह लॉग एक्स माइनस टू माइनस पांच बटा सोलह लॉग एक्स प्लस टू माइनस एक बटा चार एक्स प्लस टू के पावर माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन प्लस सी प्लस, ये हो गया होल स्क्वायर और होल क्यूब। अगर पीछे वाले जैसे ये तीसरा टाइप चल रहा है, अगर आप पिछले दो क्वेश्चन जो करेंगे उसमें आप तीन तीन क्वेश्चन करके आएंगे तो हाथ खुल चुका होगा, हाथ खुल चुका होगा, आराम से आप क्वेश्चन को इनको भी हैंडल कर लेंगे। मैंने एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपको करवा दिया है, इसके दो तीन क्वेश्चन लिखवा दे। क्वेश्चन लिखवा देते हैं आप, सही भी खत्म हो जाता है यहाँ पर। प्रैक्टिस आपने करनी है, इन क्वेश्चनों को जरूर करना है, नहीं तो कोई बचा नहीं सकता। ठीक है जी।
टाइप फोर सुपर टाइप है ये, कल कर लो उसे नोट, होमवर्क है ये, थ्री क्वेश्चन ऑफ होमवर्क। When factor cannot change complete, super type है ये, ठीक है जी। देखेंगे when factor cannot change completely into linear form or remain quadratic, ठीक है जी। देखो जी, 3x + 1, 3x - 6, 2x² + 4 dx, जो लीनियर फैक्टर है वो तो ऐसे लिख देंगे। अब जो क्वाड्रेटिक वाला है ना, क्योंकि ये स्क्वायर है, इसको खत्म करने के लिए एक्स भी लिखना पड़ेगा, तो लिखना पड़ता है bx + c। अब हमारा काम है ए बी सी की वैल्यू निकालना। वन बाय वन चलेंगे और फैक्टर्स देखिए, जैसे कि पुट 3x - 6 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 2। जहां जहां एक्स नजर आ रहा है वहां पर आप पुट कर दो। देखो बी वाला पोर्शन तो 3x - 6 के चक्कर में वैसे ही 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 6 + 1 = 7। देखो जी, अब ये 3x + 1 है, x इज इक्वल टू -1/3 आएगा, थोड़ी दिक्कत हो सकती है हमें इसके अंदर। एक दूसरी टेक्निक भी होती है कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, ऐसे क्वेश्चनों में जो टेढ़े मेढ़े फैक्टर हो तो कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ, जैसे एक्स स्क्वायर ले रहे हैं, पहले ध्यान से देखो यहां एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है, 0। ए वाले पोर्शन में आप खोलोगे 2ax² बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 2a। इधर भी खोलोगे तो 3bx² आ जाएगा कहीं, तो 3b आ गया। a हमारे पास है ही है, सेवन बाय सिक्स बी की वैल्यू आ गई -7/18। लो जी, अब करेंगे कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स। थ्री इसमें कुछ नहीं है, इधर आएगा -6bx + 3c, -6b + 3c। लो जी, ये हो गया 42/18। लो जी, 18 + 54 में से 12/18, ये हो गया 3/4,
2/9 एबीसी आ गया। सारा खेल है इसमें एबीसी ढूंढना। लो जी ए की वैल्यू रख दो 7/12 बी की वैल्यू रख दो और सी की वैल्यू रख दो। अभी भी मेहनत है थोड़ी सी इसमें। तीनों पार्ट्स को अलग अलग कर दो। ठीक है जी 7/12 डीएक्स ओवर तीन पार्ट्स बन चुके हैं। यहां पर फिर लगेगा सब्स्टिट्यूशन। इसको टी पुट करेंगे तो ये आएगा dt/4/t। इसमें से कॉमन ले लो दो, ये हो जाएगा डीएक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। बटे 72 log t प्लस 2/18 1/√2 सब कुछ आ गया इसके अंदर। स्पेशल भी सब्स्टिट्यूशन भी सब कुछ आ गया। ठीक है जी t को रिप्लेस कर दो। t को क्या कर दो रिप्लेस। जो फाइनल आंसर है मैं ऊपर कर लिख रहा हूं इसका 7/36 log 3x-6 log t। t की वैल्यू थी हमारी 2x² + 8। log सॉरी tan इनवर्स करो। अभी एक क्वेश्चन और कराऊंगा इसका, जिससे कि आपका माइंड और अच्छे से सेटल हो जाए इस क्वेश्चन से। कर लो नोट, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अगेन सेड पॉज द वीडियो एंड कॉपी। एक और देखो ऐसा क्वेश्चन। x square minus x plus 1 dx।
अब देखो ये हम चाह के भी तोड़ नहीं सकते, तो लिखेंगे a ओवर x प्लस वन बी एक्स प्लस सी ओवर, ठीक है जी, एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर तो कट जाएगा, सारा जोर अब इस पर लगना है कि ए बी सी को ढूंढा जाए। पुट x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, x की वैल्यू आ गई माइनस वन, ये पार्ट वैसे ही खत्म हो गया। ए की वैल्यू होगी माइनस टू बाई। अब कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां नहीं है, यहां ए है और यहां बी बनेगा। यहां से देखो यहां तो कोई एक्स स्क्वायर नहीं, यहां पर है एक्स स्क्वायर के साथ ये हो गया, यहां पे बी एक्स, जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब बड़े आराम से देखो किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी की, बी हो गया टू बाय थ्री। कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, थ्री माइनस ए प्लस बी प्लस सी, देखो यहां तो थ्री आ गया, यहां पर देखो ए माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा माइनस ए हो गया, बी एक्स वन से जब होगा बी भी होगा, सी एक्स के साथ होगा तो ये होगा। ए को रख देंगे, बी को रख देंगे, अब प्यारा सा सी आ जाएगा, थ्री माइनस फोर बाय थ्री, ठीक है जी। ए को एक ही जगह रखो, बी को बी की जगह रखो, सी को सी की जगह रखो, टू बाय थ्री कॉमन ले लो, ठीक है जी। अगर नीचे वाले को टी पुट करोगे तो क्या आएगा, 2x माइनस वन, क्या आएगा 2x माइनस वन, तो ऊपर भी 2x माइनस वन बनाना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, टू बाय थ्री वाला क्वेश्चन अलग कर लो और वन वाला पोर्शन अलग कर, यहां तो परफेक्ट स्क्वायर लग जाएगा, यहां डायरेक्ट हो जाएगा, यहां पर सेटल करना पड़ेगा पोर्शन, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड क्या हो जाएगा, टू बाय सिक्स माइनस वन प्लस वन करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट हो जाएगी, टू बाय सिक्स इसके साथ भी आएगा, जो चीजें मर्ज हो सकती है मर्ज कर लेना, लो जी ये हो गया टू बाय सिक्स डी टी बाय टी, ये देखो फोर बाय सिक्स, फोर बाय सिक्स प्लस टू बाय सिक्स, सिक्स बाय सिक्स, परफेक्ट स्क्वायर लगा देंगे यहां पर, प्लस वन बाय फोर माइनस फोर प्लस, एक क्वेश्चन और करा हमने, एक्स माइनस वन बाय टू का होल स्क्वायर,
प्लस 3/4 करो इंटीग्रेशन। लॉग टी प्लस ठीक है जी, करो खत्म इसको, फिर दो क्वेश्चन दे देते हैं आपको करने के लिए। इसके तीन चार क्वेश्चन कर लेना, बल्ले बल्ले हैं। 5, 6, 7 Pause the video and copy the answer. ये जो पार्ट है, ये जो पोर्शन होता है, ये स्पेशल इंटीग्रेशन से बिलोंग करता है, ठीक है ना जी? तो इसके लिए आप पीछे वाली प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो ये कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है ये। क्वेश्चन लिखवा रहा हूं होमवर्क के लिए। जो हमेशा किसी भी सेक्शन के लास्ट वाले टाइप होते हैं, अगर वो अच्छे से आते होंगे तो पूरा चैप्टर कवर उसमें हो जाता है। लो जी, 4 क्वेश्चन। Pause the video and copy the answer. And also copy the problems homework one. Type 5. बड़ा ही आसान टाइप है ये, एक ही क्वेश्चन काफी रहेगा समझाने के लिए। ध्यान से देखो, x square हर जगह है बट उसका डेरिवेटिव नहीं है, तो कैसे करेंगे? लेट तो कर लेंगे इसको, लेट x square इज इक्वल टू t। अगर आप एक बार ऐसे लिख लो, इसे लिख लो t प्लस 9, इसे लिख लो t प्लस 3, t प्लस 4, एलसीएम लो,
ठीक है जी। बी वाला क्वेश्चन तो वैसे जीरो हो गया, ए आ गया सिक्स, दूसरा फैक्टर लो। बी की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू आ गई माइनस फाइव। यहाँ ए बी रख देंगे साथ में से, टी को रिप्लेस भी कर देंगे एक्स स्क्वायर से। रीजन, क्योंकि हमने डेरिवेटिव तो किया ही नहीं उसका। ए हो गया आपका सिक्स डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। ठीक है जी, करो नोट। लो जी, होमवर्क में लिख लो क्वेश्चन। तीन क्वेश्चन कर लीजिए। तो टाइप सिक्स बहुत ही आसान टाइप है ये भी। डी एक्स ओवर एक्स, टू एक्स फोर माइनस फाइव है, यहाँ फोर है यहाँ एक्स है, ठीक है ना। इसको भी एक्स फोर बनाओ, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड विद एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स एक्स फोर।
ठीक है जी, अब स्टोरी बन जाएगी, एक्स फोर को टी लेट करो, फोर एक्स क्यूब इज इक्वल डी टी बाय डी एक्स, एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय फोर। दैट इज वही, देखो पार्शियल फ्रैक्शन बन गया, ठीक है जी। जब एलसीएम लोगो तो ये बचेगा आपके पास, पुट टी इज इक्वल टू जीरो, ए की वैल्यू होगी माइनस वन बाय फाइव। दूसरा फैक्टर लो जी, ए वाला पोर्शन बचा क्या, बी हो गया टू बाय फाइव। बस पुट करो, ठीक है जी, टी की वैल्यू रख दो, प्लस सी फाइव सिक्स चल रहा है जी। देखो बल्ले बल्ले तो आपने खुद ही करनी है, वक्त में इसके क्वेश्चन लिख लो। डीएक्स तीन क्वेश्चन लिख दिया मैंने, ये कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें x क्यूब से मल्टीप्लाई, x क्यूब से डिवाइड, इसमें x माइनस n, x स्क्वायर n माइनस वन से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है ना जी। करो नोट, एक मिनट,
हाँ जी अभी अभी मैंने क्वेश्चन कराए, वॉल्यूम बंद हो गया था बीच में, ध्यान से देखो। कॉस स्क्वायर को वन मैंने साइंस पर लिख दिया, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पूरी साइन में आ गई शेप। चलो तो अकेला कॉस साइन थीटा को टी लिया, कॉस थीटा जब सोल्व करके पूछे यहाँ तो टी माइनस टू का होल स्क्वायर बन गया। अब वैसे ही जैसे पीछे सीख के आए, ए ओवर फैक्टर विद वन पावर फिर पावर टू, बाकी सिंप्लीफिकेशन है। जैसे ए बी की वैल्यू निकली है, पुट करा और इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है जी, आई रिक्वेस्ट पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। टेन थीटा, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत सुपर हिट क्वेश्चन है। टेन थीटा ऊपर से कॉमन लो, अंदर ही अंदर बचेगा। टी ये हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, ई टी। देखो वही क्वेश्चन बन गया जो पीछे करके आए हम लोग, टी प्लस वन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन। बी टी प्लस सी, एलसीएम लेंगे तो ये सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है जी, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस वन, माइनस वन बाय थ्री आ गई ए की वैल्यू। दूसरा लो जी, कंपेयर कोफिशिएंट पे आ जाओ, इजी हो जाता है उसमें। जीरो ए प्लस बी, यहां है नहीं टी स्क्वायर, यहां है और यहां पे भी बन जाएगा। बी हो गया वन बाय थ्री, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ टी। ठीक है जी, यहां पर वन है, यहां पर माइनस ए हो जाएगा, अंदर जब खोलेंगे एक बार बी आएगा एक बार सी आएगा। वन माइनस टू बाय थ्री इज इक्वल टू सी, सी की वैल्यू आ गई वन बाय, सारे एक जैसे आ गए। ए क्या आया माइनस वन बाय, बी क्या आया वन बाय थ्री, सी भी आया वन बाय थ्री। देखो यहां परफेक्ट स्क्वायर लग जाएगा, यहां यहां डायरेक्ट हो ही रहा है। ये क्वेश्चन देखो दूसरी बार कर रहे हैं हम, ठीक है जी। टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड करा, प्लस वन माइनस वन प्लस वन,
ये वन वाला पोर्शन अलग करेंगे, 1/6 हो जाएगा डी जेड बाई जेड, ये जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 2/6 प्लस 3/6 log z प्लस c। लो जी सबकी वैल्यू रखो, -1/3 log t आपका है tan theta, log z यहाँ पर फिर टी की वैल्यू रखनी पड़ेगी आप, ठीक है जी, ये भी खत्म हो जाता है। बाकी क्वेश्चन सिंपल वाले हैं, मैं 3 लिखवा देता हूँ। होमवर्क secant square x dx अब अपने आप समझ आएगा किसको t पुट करने पे क्या आएगा। log x को t रखेंगे और 1/3, ये 4 क्वेश्चन कर लोगे, यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन फिनिश हो जाए, ठीक है जी। अब बचता है मैनिपुलेशन एंड इनवर्स, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर।